कैमरिन स्कूल में एक दसवीं कक्षा की छात्रा अचानक चौथी मंजिल से नीचे गिर गई। छात्रा के नीचे गिरते ही उसे अस्पताल ले जाया गया। उसे अभी अंडर ऑब्जर्वेशन रखा गया है। फिलहाल पुलिस प्रशासन और पुलिस इस बारे में ज्यादा बात नहीं कर रही है। पुलिस के अनुसार उन्हें सूचना मिली थी कि एक दसवीं कक्षा की छात्रा स्कूल की चौथी मंजिल से नीचे गिर गई है, जिसके बाद वह मौके पर आए। फिलहाल छात्रा का इलाज एक प्राइवेट अस्पताल में चल रहा है। उन्होंने कहा कि पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है। थोड़े टेलीफोन की इन्फॉर्मेशन मिली थी कि खुशी नाम की लड़की है, दसवीं क्लास की है, और स्कूल की किसी फ्लोर तो डिगी है, तो उन्हें सट लगी है। तो पहले पेमेंट गए, फिर SCL गए, तो उन्हें नासा हॉस्पिटल एडमिट है। तो जो डॉक्टर के बारिश साफ तो पता लगे कि उन्हें 6 घंटे के ट्रीटमेंट तो बाद अगली स्टेज क्लियर होंगी, अभी उसे ट्रीट होने लगी है। सर, स्कूल वाले ने कोई गल हुई है? स्कूल वाले ने की दस्या कुछ? स्कूल वाले ने यह दस्या भी इस बारे कुछ नहीं पता लग सके कितों डिगी है। डिगी हुई टीचर स्टाफ ने जो हॉस्पिटल बचाया, तो लड़की के पेरेंट्स फैमिली सारी इतने है। लड़की डॉक्टर तो आँदी है बाहर, फिर उस बाद किस तरह की स्टेटमेंट मिलती है उस तरह इन्वेस्टिगेशन की। उधर स्कूल वालों का कहना है कि फिलहाल पूरा ध्यान बच्ची के इलाज पर है, इस बात की जांच की जाएगी आखिर बच्ची नीचे गिरी कैसे। सर्जरी की जरूरत नहीं है, बच्चे को ऑब्जर्वेशन में रखेंगे अभी। कितने घंटे के लिए ऑब्जर्वेशन? 6 घंटे के लिए। बच्ची का क्या नाम है मैडम? बच्चे के नाम मैं नहीं बताना चाहूंगी, इसके पेरेंट्स की मर्जी के। क्लास बता दीजिए, फ्लोर से गिरी है ये पता नहीं। अभी बताएं कि जैसे ही पता नहीं बस गिरी, दो टीचर्स ने उठाया और हम लोग लेके आए। कितने बजे का इंसिडेंट एग्जैक्टली? पौने की एक के बाद। कुछ लड़की है ना, कुछ भी बोले तो विल फर्स्ट फाइंड द फैक्ट्स, है ना, चेकिंग करेंगे। जलंधर से पुनीत अरोड़ा, जीवे पंजाब टीवी।